हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। आज आप लोगों को एक नई रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये देखिए, हम सेवई लिए हुए हैं और ये देखिए एक इलायची, दो लौंग, एक दो तेजपत्ता है और ये हमने नारियल छुहारा और किशमिश, थोड़ा सा सौंफ, ये टूटी फूटी रखे हैं और ये हमने देखिए चीनी रखे हुए हैं, ये एक प्याले दूध रखे हुए हैं और देखिए ये हम कढ़ाई चढ़ाए हुए हैं। चलिए इसमें हम रिफाइन ऑयल डालती हूँ। ये हम रिफाइन ऑयल डाल रहे हैं और ये तेल गरम हो चुका है तो ये हम तेजपत्ता डाल रहे हैं, इलायची, ये शुगर डाल रहे हैं, ये सब हम डाल रहे हैं। देखिए इसको पकाएंगे 5 मिनट तक, फिर इसमें हम सेवई को ऐड करेंगे। बहुत अच्छी होती है, आप लोग भी फ्रेंड्स बनाकर एक बार खाइएगा, बहुत टेस्टी अच्छी होती है। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारा ये बॉयल हो चुका है, पक गया है। अब इसमें हम ये देखिए इसको फोड़ कर डालेंगे तो अच्छी होगी। थोड़ा सा आंच को नॉर्मल कर देना है। एक बैग नहीं डालना है, सारा दूध सूख जाएगा, इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके डाले हैं। इसको अच्छे से मिक्स करना है, धीमे आंच पर, नॉर्मल आंच पर। ये देखिए बहुत अच्छी लगती है खाने में, हल्के फुलके नाश्ता है शाम की, तो बनाकर आप लोग भी खाइएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ये धीमे ही नॉर्मल पे ही पकना है इसको, नहीं तो जल्दी से सूख जाएगा तो पकेगा नहीं अच्छा से। तो देखिए ये पक के तैयार हो चुका है, इसको हम तो देखिए कितने अच्छी टेस्टी हुई है। आप लोग भी बनाकर खाइएगा, बहुत अच्छी लगती है ये सेवई है। तो चलिए अब वीडियो एंड करते हैं यहीं पर, फिर मिलूंगी एक नई वीडियो, एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।